वेलकम बैक टू मालविया कैट सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देखिए हम 7 पार्ट क्रिएट करेंगे गैस रेगुलेटर का। इसमें देखिए एक कैप नट है, सिंपल सा डिज़ाइन है। तो आप वीडियो पर एंड तक बने रहिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसका ड्राइंग आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इसके प्रीवियस पार्ट के ट्यूटोरियल की लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए हम इस पार्ट को क्रिएट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने न्यू पार्ट क्रिएट किया है, और इसमें सबसे पहले राइट प्लेन सिलेक्ट करेंगे, स्केच, फिर यहाँ पर हेक्सागोन आपको ड्रॉ करना है। इस तरह से देखिए ओरिजिन पॉइंट से वर्टिकली आपको हेक्सागोन आपको ड्रॉ कर देना है। अब इसकी साइज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे 19 mm। यहाँ पर इस लाइन को सिलेक्ट करना है और इसे वर्टिकल कर देना है। फिर यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करना है, इसका डायमेंशन रहेगा 11.5 mm। अब सिंपली इसे ओके करना है और फीचर टैब में जाना है, एक्सट्रूड बॉस अप्लाई करना है। एक्सट्रूड बॉस में हमें डायरेक्शन 1 में यहाँ पे मिड प्लेन सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर इसकी साइज अप्लाई करनी है 13 mm, फिर ओके कर देंगे। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर इस फेस को सिलेक्ट करना है, स्केच, फिर यहाँ पर सर्कल ड्रॉ करना है। अब यहाँ पर इसकी साइज रहेगी 15 mm, फिर यहाँ पर फीचर में जाना है और एक्सट्रूड कट अप्लाई करना है। यहाँ पर आपको डायरेक्शन 1 में ब्लाइंड कंडीशन रखना है, और यहाँ पर इसकी साइज अप्लाई करनी है 11 mm, और फिर ओके करना है। फेस को सिलेक्ट करेंगे, स्केच, फिर यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करना है। सर्कल को देखिए यहाँ पर इस लाइन के साथ टेंजेंट कर देना है। टेंजेंट नहीं है तो इस सर्कल को सिलेक्ट करना है, फिर इस लाइन को सिलेक्ट करना है और टेंजेंट कर देना है। देखिए इस तरह से। अब सिंपली आपको फीचर में जाके एक्सट्रूड कट अप्लाई करना है। एक्सट्रूड कट अप्लाई करने के बाद यहाँ पर ब्लाइंड कंडीशन, फिर यहाँ पर इसकी साइज 50 से ऊपर रखनी है। तो हम यहाँ पर 75 mm अप्लाई करते हैं। फिर यहाँ पर फ्लिप साइड टू कट इसे सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर इसका एंगल सिलेक्ट करना है, तो हम यहाँ पर इसका एंगल रखेंगे 45 डिग्री, और सिंपली ओके कर देना है। देखिए यहाँ पर चैम्फर अप्लाई हो गई है। मिरर में जाएंगे, मिरर में आपको राइट प्लेन सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर फीचर अप्लाई करना है, कट एक्सट्रूड, जो यहाँ पर हमने चैम्फर अप्लाई की थी, और फिर ओके करना है। चैम्फर एक्टिवेट करेंगे, और यहाँ पर इसकी साइज अप्लाई करेंगे 1 mm, और यहाँ पे इस एज को सिलेक्ट करना है, फिर ओके कर देना है। फिर से यहाँ पर चैम्फर अप्लाई करेंगे, यहाँ पर इस बार 0.2 इसकी साइज रहेगी, और यहाँ पर इनसाइड वाली फेस को सिलेक्ट करना है, और फिर ओके कर देना है। देखिए इस तरह से यहाँ पे चैम्फर अप्लाई हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर होल विजार्ड के ड्रॉप डाउन में जाना है, फिर यहाँ पर थ्रेड वाले फीचर को एक्टिवेट करना है। फिर यहाँ पर देखिए फर्स्ट में आपको थ्रेड का लोकेशन सेट करना है यहाँ पर। तो हम यहाँ पे थ्रेड लोकेशन इस वाले सर्कल को सिलेक्ट करना है। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए इसकी साइज हमें अप्लाई करनी है 9 mm, फिर यहां पर ऑफसेट रखना है हमें, यहां पर ऑफसेट रखेंगे 3 mm, और एंगल इसका रहेगा 0। यहां पे मेंटेन थ्रेड इसे टिक कर देना है। अब यहां पर मैट्रिक टैप आपको सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर इसकी साइज अप्लाई करेंगे 10x1.5। कट थ्रेड यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर देखिए जो 3 mm ऑफसेट किया था इसे रिवर्स साइड में अप्लाई करना है, और फिर ओके कर देना है।
देखिए इस तरह से ये नट हमारी तैयार हो गई है। अब यहाँ पर इसके मटेरियल अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे अपीयरेंस में जाएंगे, अपीयरेंस में जाके मेटल को सिलेक्ट करना है। मेटल में यहाँ पर ब्रास को सिलेक्ट करना है और फिर यहाँ पर पॉलिश ब्रास यहाँ पे अप्लाई कर देना है। देखिए इस तरह से ये नट तैयार हो गई है, इसे सेव कर देते हैं हम। हमारा जो फोल्डर है हमने सेव किया है गैस रेगुलेटर के नाम से, तो यहाँ पर इसको हम पार्ट 7 के नाम से सेव करेंगे, फिर सेव कर देंगे। ये हमारा पार्ट 7 है। नेक्स्ट पार्ट के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।